आपका YouTube का चैनल चला है, आप करोड़ों में खेलो और यहीं पे घूमते रहो, इससे अच्छी अच्छी जगह पे घूमते रहो और लोकल के अलावा इंटरनेशनल टूर्स के भी व्लॉग बनाते रहो। माशाल्लाह, ये दुआएं दी जा रही हैं जी, दुआएं दी जा रही हैं। मलेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, वहाँ का व्लॉग बनाओ और इंटरलेकिन का व्लॉग बनाओ, है स्विट्जरलैंड का शांज़ेलीज़े का। मैं जी सरगोदा से हूँ। रास्ता बहुत खराब था जिसके कल का हमारा 55। बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो काफी लो टेम्परेचर है, और इसके अलावा हम बात करें पंजाब की, गुजरात की, लाहौर की, तो वहाँ पर खासा हॉट टेम्परेचर है और तकरीबन 50 के लगभग वहाँ का टेम्परेचर है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी जो है वो लो टेम्परेचर है। और ये बाज़ार है जी, जो हमने सफ़र किया वो बालाकोट से हम शुरू हुए, फिर कोई और कोई से हम शुग्रांग गए, शुग्रांग से सिरीपाए, और सिरीपाए से वापसी पर हम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं जी। फाइनली हमने जो है वो तैयारी पकड़ ली है और अब हम निकलने लगे हैं झील सैफुल मलूक और भट्टाखुंडी की तरफ, और हम आपको यहाँ पर आज जो है सैटरडे है और बताएंगे कि आप अगर विज़िट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको किन किन मसाइल से जो है वो गुजरना पड़ेगा। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, हम आपको उन झील्स के बारे में दिखाएंगे, उन ग्लेशियर्स के बारे में जो रास्ते अभी तक बंद हैं, मुकम्मल अपडेट देंगे। हम नारान से चल पड़े हैं, ये भाई हैं, इनको जो है हमने हायर किया है, और ये व्यूज़ इंतहाई खूबसूरत व्यू ये जो हम आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर नारान के अंदर लाइट नहीं है, लाइट की कमी है, क्योंकि ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघली है उसकी वजह से काफ़ी जो है सर्दनेस है, जिसके लिए आपको अपने साथ पावर बैंक रखने होंगे, और पावर बैंक से आप अपने मोबाइल दीगर एसेसरीज को चार्ज कर सकेंगे। सो हमारे साथ रहें, हम आपको उन वादियों में लेके जा रहे हैं जो तहीलाती वादियां हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, हम झील सैफुल मलूक के रास्ते पर हैं, ये देख सकते हैं पीछे मेरे खूबसूरत व्यूज़ हैं, कुदरत का शहकार है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको जो है ख़ास तौर पर यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए ख़ास तौर पे स्टिक्स यूज़ करना होगी, और यहाँ पर जो जॉगर्स हैं वो भी लेना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हैं मैम? हम लोग लाहौर से। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हसीन और खूबसूरत लग रहा है, पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आने तक के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? रास्ता बहुत खराब था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मजा भी बहुत आया दोस्तों के साथ। अच्छा, ये आपसे पूछना चाहूँगा की आप टूर के साथ आए हैं या वैसे ही आए हैं? हम टूर के साथ आए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के टूर के साथ आए हैं। जन्नत का नज़ारा, यूं लग रहा है जैसे जन्नत का नज़ारा दिखाओ जी। नाज़रीन, तो मैं जब भी आपसे ये कहता हूँ कि आप गिलगित बल्तिस्तान आए तो यहाँ पर आकर आपको जन्नत नज़ीर जो हैं वो मनाजर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आए आप आएँ और आप आकर खास इंजॉय करें यहाँ पर आके, आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, आपकी आँखों को ये हैरा करने के मनाजर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और यकीनन आप इस बर्फ़ की हाइकिंग और बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, और यहाँ पर जो है ख़ास किस्म का पॉइंट है
और ये मुकम्मल जो झील है ये फ्रीज हो चुकी है और अभी जो रास्ते मजीद खुलने वाले हैं, आज जो है वो सैटरडे है और ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से टूर यहाँ पर आया और ये लोग जो है इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं? तो कैसा महसूस हो रहा है इस जन्नत नज़ीर वादी और इस झील में, जो झील सैफुल मुल्क है जिसकी रमान भी कहानियां हम जो है अपने साहब के अंदर भी देखा करते थे और सुना करते थे, बचपन में पढ़ते थे, आज देख ली, आज देख लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत जबरदस्त, कमाल जी। नाज़रीन, तो जब भी आप कुदरत के हसीन नज़ारों की तरफ आपकी निगाह जाती है तो बेसाख्ता दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। यहाँ पर चलना जो है वो खासा दुश्वार है और यहाँ पर हास स्टिक के थ्रू जो है वो चला जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने। जब भी यहाँ पे आएँ तो स्टिक का एंजॉय करें। यहाँ पर शहद जो है खालस शहद के लिए भी आपको भाई कुछ मिलेंगे जो यहाँ पर खालस शहद बेच रहे हैं। और सलाम अलैकुम सर, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, जिला उगाड़ा से। जिला उगाड़ा से हैं आप? नवाज बरोज सर। माशाल्लाह, तो कैसा महसूस हुआ कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देख के, कैसा लगा आपको? सर माशाल्लाह बहुत है, उधर का टेम्परेचर 43 है तो यहाँ पे तो माशाल्लाह एक दुनिया ही नहीं है। तो इस नई दुनिया को आप एंजॉय करने यहाँ पे आए हैं, तो कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, लफ्जों में हम बयान ही नहीं कर सकते हैं अल्लाह की जो नेमतें हैं, और देख कर ऐसे महसूस होता है कि एक नई दुनिया में आ गए, जो जन्नत जिसका नाम हमारे उलमा किराम बताते हैं उसकी जहाँ पे झलकी हैं। जी नाज़रीन, जब भी हम, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हम कुदरत के इन हसीन नज़ारों से गुज़रते हैं, ये देखते हैं, तो बेसाख्ता दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। तो अब जब भी इन दिनों ख़ासतौर पर झील सैफुल मुल्क आ रहे हैं तो आप जो है जैकेट का यूज़ करें, यहाँ पे सर्दी जो है वो खासी ज़्यादा है। जी नाज़रीन, तो ये है झील सैफुल मुल्क का नीचे का रास्ता। लोग जो हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, सिंध से आए हैं और कराची से लोग यहाँ पे आए हैं और इसको एंजॉय करने। यहाँ पर फौलादी खालस आफ्ताबी सलाजीत भी बेची जा रही है। अच्छा जी, ये सलाजीत का क्या फंक्शन होता है, इनसे पूछेंगे। सलाजीत का किस मकसद के लिए लोग लेते हैं? ये सर जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, खांसी, रेशा, बलगम, शुगर, लकवा, फालस, इसके लिए होती है। अगर इसकी रेट की बात करें तो क्या क्या रेट्स हैं इनके? ये 1000 रुपया तोला मिलेगी सर। 1000 रुपया तोला, और ये इन्हीं पहाड़ों से निकलती है नाजरीन, तो 1000 रुपये तोला है ये। आप आएंगे यहाँ पर आपको पहाड़ी इलाकों के तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए जड़ी बूटियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी वो। सलाम अलैकुम। कहाँ से आए हैं जनाब? कराची से। माशाल्लाह, कराची से आप आए हैं, तो कराची का मौसम तो खासा गर्म है और यहाँ का मौसम तप रहे हैं ना। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब का भी यही हाल है और तप रहे हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया जी। जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा रहा है यहाँ पे। लोग जो है फैमिलियों के साथ अकेले यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अकेले आने चाहते हैं और लोकल आना चाहते हैं तो आप कहाँ से आएँ, कहाँ से आप आएंगे तो आपको बेहतर, आपके लिए बेहतर होगा, ताकि इन जन्नत नज़ीर वादियों को जो है आप इंजॉय करें। यहाँ पर जो कश दिलफरेब मनाजर हैं आप इनसे भी लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है
कि आप इस मादा परस्ती से निकले। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए हैं? जी लाहौर से। लाहौर से माशाल्लाह, तो कैसा लगा? टूर के साथ आए हैं? जी टूर के साथ। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह जी। यहाँ पर जो भी आएगा एंजॉय करेगा। यहाँ पर आने तक आपको कोई मसला मसाइल? कोई परेशानी अब नहीं होगी, बिल्कुल इजी हो गए। पहले जो 2-3 साल पहले आए थे तो प्रॉब्लम बड़ी थी कि रोड सही नहीं, अब तो बेहतरीन है। अब तो आपको टाइम भी कम लगता है और आप टाइमली पहुँच जाते हैं, और अब सैफ अल मुल्क का भी रास्ता जो पहले था वो अब बहुत अच्छा हो गया जी। जो रास्ते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है, और लोग यहाँ पर टूर की सूरत में अकेले और फैमिली के साथ आए। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये है जी झील सैफ अल मुल्क का व्यू, ये देख लीजिए, थोड़ा सा पानी है और दूर तक ये बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ये झील सैफ अल मुल्क, और झील सैफ अल मुल्क का ये पानी। ये जो पुल है, छोटा सा पुल बनाया गया है जहाँ से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, और लोग यहाँ पर अपनी अपनी सेल्फी लेने में मसरूफ हैं। सेल्फी ली जा रही है। यहाँ पर आने तक के लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर आपने गर्म कपड़ों का इन दिनों के अंदर जो है खासा एहतमाम करना है। इसी सूरत में आप बर्फ़ से जो है, बर्फ़ और सर्दी से जो है वो बच पाएंगे, वरना यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम जिस टेम्परेचर से निकलते हैं तो यहाँ पर एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मज़ीद आगे की तरफ जाने की कोशिश जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं झील सैफ अल मुल्क के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई झील सैफ अल मुल्क है, और ये कश्तियाँ जो हैं तकरीबन अब से 15 दिनों के बाद जो है ये मुकम्मल आबोताब के साथ इस झील के पानी के अंदर जो है बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो इस पानी के अंदर जाकर खूब इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर खासा अभी भी इंजॉय किया जा रहा है, आप भी यहाँ पे आएँ और कुदरत के हसीन लम्हात को आश्कार करें और हसीन मनाजर को आश्कार करें, ताकि आप जो हैं इन चीज़ों से, इन हसीन वादियों से, इन हसीन वादियों की लताफत से लुत्फानंदोज़ हो सकें। ये जी नाज़रीन, यहाँ पर एक फैमिली जो है खासा इंजॉय कर रही है यहाँ पर आके झील सैफ अल मुल्क के अंदर। में से ये हमने खाना वगैरह बनाया है। अच्छा, अपने लेके आए क्योंकि और इधर खा रहे हैं। अच्छा, इतना वो महंगा बड़ा होता है यार, यहाँ का खाना महंगा है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं लाहौर से, वाघा बॉर्डर से, मिनहाला गांव से। मिनहाला गांव है हमारा, वाघा बॉर्डर इंडिया के पास है। अच्छा, तो हमने नीचे बनाई है बिरयानी। अच्छा अच्छा, बिरयानी बनाई है, तो ऊपर आके खा ले, एंजॉय कर ले। थैंक यू, ठीक है ना। थैंक यू। बाकी यार इस मौसम में आने का एंजॉय अपना ही है। 10-12 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, ये झील बिल्कुल साफ हो जाएगी जी। ये अभी भाई जो हैं इस कश्ती के अंदर बैठे हैं, और यकीनन ये इसके अंदर जो है जाने के लिए तैयार हैं, और 15 दिनों का ये वेट करेंगे। बाकी आप खुश रहे, हंसते रहे, इंशाल्लाह हम भी आपके पास आ रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चार दंदनाथे बूढ़े जो हैं यहाँ पर झील सैफ अल मुल्क के पानी को देख रहे हैं, और रुमान भी कहाँ से आए हैं, लगता है कराची से, कराची से माशाल्लाह। बूढ़ों को बूढ़ा मिल गया, और बहुत ही इंजॉय किया जा रहा है जी। कराची के लोग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लोग हैं, और ये तंजो मजाक को इंजॉय करते हैं। इंजॉय कर रहे हैं भाई, बिल्कुल इंजॉय कर रहे। कैसा लगा जी? आपका यूट्यूब का चैनल चला है, आप करोड़ों में खेलो और यहीं पे घूमते रहो, अच्छी अच्छी जगह पे घूमते रहो, और लोकल के अलावा इंटरनेशनल टूर्स के भी व्लॉग बनाते माशाल्लाह। ये दुआएं दी जा रही है जी, दुआएं दी जा रही है। मलेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, वहाँ का व्लॉग बनाओ, और इंटरलेकिन का व्लॉग बनाओ, है स्विट्जरलैंड का।